शेकुट विवाहिता को ससुराल पक्ष ने मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही कर रहे थे दहेज की मांग। देर रात दहेज की बात को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद। शेरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम बाजितपुर का मामला। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम बाजितपुर का है, जहां आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज के खातिर एक विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान सीएससी धामपुर में मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता भगवंता सिंह ने शेरकोट थाना में दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री डोली 25 वर्ष की शादी 3 वर्ष पूर्व रिंकू पुत्र चौखे सिंह निवासी बाजितपुर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री से दहेज की मांग करते चले आ रहे थे। बीती रात ससुराल पक्ष लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लग दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सीएचसी धामपुर में तैनात डॉक्टर बंसल का कहना है कि यह रात की जली हुई थी। इसे सुबह 8 बजे यहां लाया गया है। लगभग 95% जली हुई थी, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई है। आज न्यूज चैनल के लिए गुलफाम अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजो है। ये जो मृतक है कौन है आपकी? लड़की मेरी। अच्छा, कैसे हुई इसकी मौत? मिट्टी का तेल छिड़का आदमी ने इनके। अच्छा, आपके दामाद ने मिट्टी तेल छिड़क के मार दिया। अभी आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई मैंने सारा कर दिया। शेरकोट थाने में तहरीर दे दी आपने? नाम आपका? क्या मामला? पूरा मामला बताओ। ये पूरा मामला ये है कि मेरी लड़की शादी जो शेरकोट थाना कल आई थी शाम ही। अब शाम में गए पिता के चक्कर में लड़की मेरी जला दी है। उसके पति ने मिट्टी का तेल छिड़क है। फिर क्या हुआ? अभी लड़की मृत्यु होगी। ना शरीर मृतक डोली है। कितने बजे यहाँ पर आई थी और कैसे इसकी मौत हुई? सुबह 8 बजे आई थी। 8:20 पर इसकी मृत्यु होगी। 95% जली हुई है और रात की जली हुई थी। सुबह लेके आए, सुबह 8 बजे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आगे की कार्रवाई